हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। दोस्तों, बढ़ते हुए पोल्यूशन और केमिकल की वजह से हमें बहुत सारी स्किन प्रॉब्लम्स का सामना करना पड़ रहा है। आज मैं आपको अपने चैनल पर एक हर्बल सोप बनाना बताऊंगी, जिसके सारे इंग्रेडिएंट्स आपको घर में ही मिल जाएंगे और यह बहुत ही इफ़ेक्टिव है। इसके लिए आपको सबसे पहले एक गिलास पानी लेना है। एक गिलास पानी में आपको एलोवेरा जेल डालना है। इसके बाद आपको इसमें हल्दी डालनी है। अगर आपके पास हल्दी पाउडर है तो वो डाल लीजिए। मेरे पास ये कच्ची हल्दी थी तो उसको क्रश करके मैंने डाला है। इसके बाद इसमें नीम की पत्तियाँ डालिए। नीम की पत्तियों को पहले आप वॉश कर लीजिए, पानी से धो लीजिए अच्छे तरह से। उसके बाद आप इन सभी इंग्रेडिएंट्स को मिलाने के बाद इसमें आपने चंदन पाउडर मिलाना है। चंदन पाउडर, एक चम्मच चंदन पाउडर मिलाकर आपको इसको अच्छे से मिक्स करना है पानी में, और फिर इसको आपने गैस पर रख दें और अच्छे से इसमें उबाल आने दें। इसमें कम से कम आपको 1-2 मिनट तक उबाल आने देना है, ताकि जितने भी हमने इसमें इंग्रेडिएंट्स डाले हैं वो उनका सारा जो रस है वो पानी में आ जाए। दोस्तों, ये सारे इंग्रेडिएंट्स हर्बल हैं, ये इसमें किसी भी तरह का कोई भी केमिकल नहीं है। यह हमारी स्किन को प्रोटेक्ट करते हैं, हमारी स्किन में होने वाली सभी डिजीज़ को यह ख़त्म करते हैं। एंटीबैक्टीरियल प्रॉपर्टीज़ हैं नीम में, जो कि हमारी स्किन के कीटाणुओं को वॉश करने में हेल्प करती है। इसमें अच्छे से उबाल जब आ जाए, 1-2 मिनट अच्छे से उबाल आने के बाद इसमें आपने अगला इंग्रेडिएंट्स जो डालना है वो है तिल का तेल। आपने इसमें 1 चम्मच भर के तिल का तेल डाल दीजिए और फिर इसको अच्छे से हिलाकर मिक्स करके कम से कम और 1/2 मिनट के लिए, 1 मिनट तक भी आप इसको अच्छे से पकने दीजिए। दोस्तों, ढककर इसको पकाइए, ताकि सारे जितने भी इंग्रेडिएंट्स डाले हैं उनका सारा जूस पानी में आ जाए। कम से कम 1/2 घंटा पकने के बाद इस आप गैस को बंद कर दीजिए और इसे ढक कर ठंडा होने के लिए रख दीजिए। ठंडा होने के बाद आपने इसको एक छलनी में छान लेना है। अच्छे से दबा कर इन सारे जो भी यह है इंग्रेडिएंट्स हैं, अच्छे से चम्मच से इनको दबा कर इनमें से सारा जूस निकाल लीजिए। छलनी से बाहर आ जाएगा सारा जूस और वो पानी में चला जाएगा। दोस्तों, जो यह हमारे पास एक जो पानी तैयार हुआ है वो एक हर्बल वाटर है, जिसमें कि सारे इंग्रेडिएंट्स का जूस आ गया है, और यह सारे ही हमारी स्किन के लिए बहुत ही अच्छे हैं। यह हमारे स्किन के मॉइस्चर को लॉक करते हैं और हम खाज खुजली जैसी बीमारियों से प्रॉब्लम से भी हमें निजात दिलाते हैं। इस इन सब में एंटीबैक्टीरियल गुण है। अब हम इसमें जो अगला इंग्रेडिएंट डालेंगे वो स्किन के लिए बहुत ही अच्छा है, स्किन टाइटनिंग का काम करता है। यह है दोस्तों मुल्तानी मिट्टी। मुल्तानी मिट्टी में अब यह पानी धीरे धीरे मिक्स करते रहना है। मुल्तानी मिट्टी हमारी स्किन के लिए बहुत अच्छी होती है, स्किन वाइटनिंग का काम करती है, स्किन टाइटनिंग का काम करती है, और इसमें बहुत सारे मिनरल्स भी होते हैं। इसको बहुत अच्छे से मिक्स करने के बाद एक डो की तरह आपको तैयार करना है। इसमें धीरे धीरे करके आपको थोड़ा थोड़ा करके यह मुल्तानी मिट्टी का जो पाउडर है इसको मिक्स करते रहिए। जब यह एक अच्छा डो बनकर तैयार हो जाए तो
आपको अच्छे से गूंदना है और अच्छा एक डो तैयार करना है। जब यह डो बनकर तैयार हो जाएगा तो यह हमारे पास एक हर्बल सोप बनकर तैयार हो गया है। यह हमारी स्किन के लिए बहुत ही अच्छा है। इसके छोटे छोटे, अगर आपके पास मोल्ड है तो आप इसको एक मोल्ड में भी भरकर सूखने के लिए रख दीजिए। मेरे पास मोल्ड नहीं है तो मैंने ऐसे इसको हाथों से ही प्रेस करके इसके एक टिक्की की शेप बनाकर इसको रख दिया है। इसको कम से कम आपको 2-3 दिन तक धूप में सूखने के लिए रख देना है। यह बहुत अच्छे से सूख जाती है और बिल्कुल टाइट हो जाती है। सूखने के बाद बिल्कुल एक हर्बल सोप आपके पास बनकर तैयार हो गया है। यह मेरे पास तो हमेशा रहता है और मैं कई सालों से इसी का ही यूज़ कर रही हूँ। यह देखिए, यह मैंने बनाकर रखे हुए हैं और यह स्टॉक मेरे पास हमेशा रहता है। यह बहुत स्किन के लिए बहुत बहुत अच्छा है। इसका लाभ बहुत है, बहुतों को हुआ है भी है। अब देखिए, ऐसे इसको अपनी बॉडी पे लगाकर ये टूटता भी नहीं है और ऐसे बिखरता भी नहीं है। अपनी बॉडी पर लगाकर इसको अच्छे से मसल लीजिए। यह स्क्रब का भी काम करता है और आपके स्किन के पीएच लेवल को भी मेंटेन कर रखता है। दोस्तों, आपको यह वीडियो पसंद आई होगी, इसे शेयर ज़रूर कीजिए। आपको बार बार मॉइस्चर लगाने की ज़रूरत भी नहीं पड़ेगी। होप आपके लिए यह वीडियो बहुत हेल्पफुल हो और अधिक से अधिक आप इसका लाभ उठाएं।